मोनिका जी, ठीक है, मेंटालिटी को हम दोष दे सकते हैं, मेंटालिटी आप भी जानती है मोनिका जी रातों रात नहीं बदलेगी। हम उस समाज में बिलोंग करते हैं या उस समाज से बिलोंग करते हैं जहां गालियां भी माँ और बहन से होती हैं, और ये वर्ल्ड ओवर है, ये हर जगह पर है, हमारी जगह नहीं है, हमारी बात नहीं है। मैं अपने बच्चों को अलग सीख दूंगी, ये लड़कियां जो कनॉट प्लेस में आज गुस्से में हैं वो अलग सीख देंगी और फिर मेंटालिटी शायद बदलेगी। लेकिन अभी तो कोर्ट, पुलिस, राजनीतिक पार्टियां, इनको आगे आकर काम करना ही होगा। विवेका जी, मैं तीन बात कहूंगी। पहला, जो मैंने नेताओं की बात कही, जब विमेन रिजर्वेशन बिल आया, उसके ड्राफ्ट को फाड़ा गया पार्लियामेंट में, मुलायम सिंह जी ने कहा कि अगर औरतें आ गई तो जवान एमपीज उनको देखकर सीटियां मारेंगे और सिर्फ जवान और खूबसूरत औरतें ही आएंगी, और रेप और सेक्सुअल असॉल्ट पे कहा मेन विल बी मेन, बॉयज विल बी बॉयज। ये पार्टी सुप्रीमो है, नीचे की पार्टी के लोग क्या सीखेंगे, क्या कल्चर होगा? इसलिए ऐसे नेताओं का बॉयकॉट होना चाहिए, सोशल बॉयकॉट होना चाहिए। दूसरा, कानून स्ट्रांग होना चाहिए, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज स्ट्रांग होनी चाहिए, इफेक्टिव होनी चाहिए। पुलिस के पास जाते हैं, पुलिस कहती है क्या हो गया, छेड़ी तो दिया, तुम्हें क्या मुसीबत है, घर के अंदर रहा करो। पुलिस को जेंडर सेंसिटाइज करना चाहिए, पुलिस को ट्रेनिंग देने की आवश्यकता है। तीसरी, मॉरल एजुकेशन की बात करूंगी, तो घर में, समाज में, आपके स्कूल में और एंटरटेनमेंट में, क्योंकि दंगल भी एंटरटेनमेंट है और जिस्म भी एंटरटेनमेंट है, और शायद दंगल में जो उन्होंने टॉपिक लिया है उससे ज्यादा पैसा कमाया है गलत तरह की मूवीज के अपेक्षा में। इसलिए मुझे लगता है कि सबको बैठकर विचार करना चाहिए। एक निर्भया होती है तो कहा जाता है अरे मिठाई पड़ी होगी तो कुत्ते आएंगे ही, एक ही बैंगलोर का इंसिडेंट होता है तो कहा जाता है शक्कर होगी तो चींटी आएंगी ही। फॉर गॉड सेक, हम शक्कर, हम मिठाई नहीं है, हम जीते जागते इंसान है। तो माइंडसेट चेंज करना है मॉरल एजुकेशन से और लॉ एनफोर्समेंट से, कि मॉरली सुधरे तो ठीक है, अदरवाइज लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स और लॉ बताएगा इनको। वाकई नूपुर, अब इस इंसिडेंट में आप एक बहुत बोल्ड नेता हैं और ये बहुत बेबाकी से अपनी बात रखने के लिए जानी जाती हैं। मुझे ये बताइए कि इस केस में इस लड़के के साथ जल्द से जल्द कार्रवाई हो, स्ट्रिक्ट एक्शन हो, इसके लिए क्या किया जाएगा? अब तक तो खुले हाथ है, पता ही नहीं है इस लड़के के कहाँ है ये। नहीं, ये ऑलरेडी पुलिस इसमें स्टेटमेंट दे चुकी है कि हम इसको जल्द से जल्द पकड़ेंगे, ये वीडियो सामने आया है, हम इसको जल्द से जल्द पकड़ेंगे, इसके ऊपर कार्रवाई नहीं, इसको जेल भी होगी और कोर्ट में मामला भी जाएगा, क्योंकि ये प्रैंक नहीं है, ये क्लियर मॉलेस्टेशन है। और अगर नहीं होता है तो मैं आज कह के जा रही हूँ, इसमें कोई पुलिस को एब्जॉल्व करने का मैं तो जिम्मा नहीं लूंगी, कोई महिला नहीं लेगी, क्योंकि ये इस लायक है ही नहीं है वारदात। लेकिन मैं एक और बात कहना चाहती हूँ, जब वारदात हो जाती है और पुलिस भी खड़ी है और दिन निकल जाते हैं, तो बेबुनियाद जब बयान आते हैं तो माफी चाहती हूं, उसे अंग्रेजी में कहते हैं टैसिट इनकरेजमेंट एंड अप्रूवल, वो भी रोकना जरूरी है। इस घटिया मानसिकता को इनकरेज करना और बैक करना भी अभी रोकना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही चीजें, छोटी छोटी चीजें बन के पहाड़ बन जाती है। क्योंकि सिर्फ एक चीज नहीं सुधार सकती हमारे समाज को, सिर्फ एक चीज, सिर्फ लॉ एनफोर्समेंट या सिर्फ स्कूल या सिर्फ माँ अपने बेटे को कैसे पढ़ा कर रही है, ये नहीं, ये कलेक्शन ऑफ माइंडसेट्स है, कलेक्शन ऑफ सोसाइटल एट्रीब्यूट्स है। जब तक इन पे टैंडम में काम नहीं होगा, मुझे तो ये बद से बदतर नजर आ रही है चीजें होती हुई, मुझे कोई इंप्रूवमेंट नजर नहीं आएगा। एंड अबाउट टाइम वी ऑल गॉट टुगेदर, गंदगी से उठे, अपने राजनीतिक पक्षों का डिफेंस करने की जगह हम अपनी पार्टी में सबसे पहले आवाज उठाएं कि ये गलत है। मिसअंडरस्टैंडिंग है भाई, वो तो पहले से एडवाइजरी थी, जो एडवाइजरी, आपको ये क्यों नहीं कह देना चाहिए था कि अगर वो एडवाइजरी है तो उस एडवाइजरी को हटा देना चाहिए था, महेश शर्मा को उसे एंडोर्स नहीं करना चाहिए था, मैं आपको एक बात साफ कह दूं, आप एडवाइजरी को आप ये मत समझिए, मंत्री जी ने ये नहीं कहा था वेस्टर्न कल्चर है, मंत्री जी ने रेकग्नाइज किया था कि हमारे देश के अंदर आदमी खुले सांड की तरह घूम रहा है, जो बैंगलोर में देख लिया और जो दिल्ली में देख लिया, तो इसमें एडवाइजरी दिया, ये नहीं कहा कि हमारा कल्चर नहीं है, आप इसको मिक्स मत कीजिए, कोई मॉरल पुलिसिंग नहीं है, क्योंकि हम भी परेशान हो चुके हैं कि ऐसे आदमी सड़कों पे घूमते कैसे हैं जो समझते हैं कि कोर्ट कचहरी, जुडिशरी, लॉ एनफोर्समेंट और पश्चिमी संस्कृति से अलग है। ये बयान उन्होंने दिया था, देखिए डिफेंड मत कीजिए,
आप खुद ये बात कह रहे हैं। मैं उनके समर्थन में नहीं हूँ, मैं उनके समर्थन में नहीं हूँ, मैं बिल्कुल ये बयान, मैं इस बयान के समर्थन में नहीं हूँ, लेकिन ये एडवाइजरी अलग चीज है, इसको मिक्स मत कीजिए। गुड इनफ, जो बात आपने कह दी बस मैं इसी का इंतजार कर रही थी कि अपने ही कलीग के खिलाफ जब बोलना शुरू करेंगे तभी तो जाकर लगेगा कि पार्टीज भी डिफरेंट कर रही है। यही बात तो मोनिका जी कह रही है। मैंने आपके सामने बोला सुना फौरन सुना मैंने, और इसीलिए अब इस सवाल को मैं आगे बढ़ा रही हूँ। रंजीत जी, आप लोग सब एक साथ इकट्ठा होकर देखिए प्लीज मैम, इस बात को आज की तारीख में समझना जरूरी है कि पॉलिटिकल पार्टीज जिस तरीके से, जैसे फिल्में होती है ना, सोसाइटी को देखकर रोल मॉडल आप बनाते हैं, ऐसा ही यहाँ पर भी तो है, पॉलिटिक्स में भी तो है मैम, आप लोग अलग नहीं है। तो क्या चाहते हैं, आपका क्वेश्चन क्या? सीधा क्वेश्चन है, जी परमेश्वर जैसे लोग अगर ऐसा बयान देते हैं तो रंजीत जैसी तमाम वो महिला जो कांग्रेस में काम करती बॉयकॉट क्यों नहीं कर देती हैं? सिर्फ निंदा पर क्यों अटक जाती हैं? बॉयकॉट नहीं, उनको चार जूते मारना चाहिए। आप प्लीज सुनिए रूबी जी, एक तो सिर्फ ये मुद्दा नहीं है, मैं फिर बोलूंगी कि ये सिक और बीमार लोग होते हैं, किसी पार्टी में भी हो सकते हैं, और किसी भी पार्टी की महिला को अगर उसके सामने बोलता है तो सबसे पहले तो उसको चप्पल खोल के मारना चाहिए, उसका जवाब बस ये है, इससे ज्यादा नहीं है। दूसरी बात में मैं जरूर बोलूंगी कि समाज में, मैं छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ कि अभी ये बात आ रही थी, नुपुर जी भी बोल रही थी, एज अ महिला मैं इसको किसी पार्टी में लेके नहीं चलती हूँ, महिलाओं के गाँव में रेप हुआ, मैं वहां पर थी, मीटिंग में थी, एक नाबालिग लड़की से रेप हुआ और उस लड़के को फिर हम लोगों ने 24 घंटे में जेल में भिजवाया। लेकिन मैं एक बात ये बता रही हूँ, जो रेपिस्ट था 21-22 साल का लड़का था, उस गांव के लोगों पे उसने 3 बार महिलाओं के साथ छेड़खानी की थी, और पंचायत ने क्या किया था कि भाई महिलाएं जिनके साथ छेड़खानी की है उसको 10 झाड़ू मार दो, वो सब मिलकर उस लड़के को 10 झाड़ू मार दो। देखो रेपिस्ट का मन बढ़ता तब है जब हम उसको बहुत हल्के में लेते हैं, थाना बहुत हल्के में लेता है। बहुत जरूरी है कि जन प्रतिनिधि अपने क्षेत्रों में सतर्क हो, थाना सतर्क हो, फिर मैं बोलूंगी कि कानून, थाना, जन प्रतिनिधि और समाज की महिला के साथ छेड़खानी करना और रेप एक जघन अपराध है और बहुत गंभीर है और उसका बहुत महत्व है। जब तक हमारा देश ये नहीं समझेगा तब तक बहुत मुश्किल है कि जब तक हमारी ये पुरुष मानसिकता, मैं आपको एग्जांपल देती हूँ गांव का, यहाँ एक निर्भया हुआ, हम सब बाहर हैं, ये सब साथ में काम करने चाहिए, ठीक है समझ में आता है, लेकिन कैसे, उसी का तो जवाब नहीं मिल पा रहा है, कैसे ये सब साथ काम करेंगे, पुलिस, जनप्रतिनिधि, सोसाइटी, परिवार, ये सब कैसे काम करेंगे और किस तरीके से काम करवाया जा सकता है।